कैसे हैं? मैं हूँ शोभा। आप आए हैं शोभा के रसोई में। फ्रेंड, आज मैं क्या बनाऊंगी बताइए। आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ता बिरयानी, जो टेस्टी भी होती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। ये एक कटोरी बासमती चावल, हल्दी पाउडर, जीरा, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये नमक स्वाद अनुसार, दो बड़े प्याज कटे हुए लंबे स्लाइस में, तीन टमाटर प्यूरी पीस के हमने बना लिए हैं और चार पांच लौंग, दो बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, दो टुकड़े दालचीनी पाउडर, दालचीनी, अदरक का टुकड़ा ग्रेट की हुई, पांच छह लहसुन कली पीसी हुई ग्रेट की हुई, आधा कटोरी दही, एक बड़ा प्याज बारीक कटी हुई और थोड़ा सा मेरे सीक्रेट पेस्ट है, प्याज लहसुन का पेस्ट जो है वो है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावल को धो करके अच्छा से भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। ये हमने भिगो दिया, ये देखिए। अब इसको हम ये हम एक पतीला ले लिए, इसमें हम जिस कटोरी में चावल भिगोए थे उसी कटोरी के मेजरमेंट से हम पानी लेंगे। एक कटोरी चावल और दो कटोरी हम पानी ले लिए। फिर इसे हम गैस में चढ़ा देंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे। इसे हम कवर कर देंगे, पानी को बॉईल होने देंगे। तब तक हम एक कटोरी सोयाबीन बॉईल करके हमने रख ली है, इसे ग्रेट कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। ये हमने सोयाबीन को ग्राइंड कर लिया, देखिए ये दरदरा पिसे हुए है, ज़्यादा महीन नहीं करना है हमें, रुक रुक के ग्राइंड करना इसको। ये हमारा पानी बॉईल हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे अपना भीगे हुए जो चावल है वो डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच घी ताकि चावल हमारे चिपके ना, एक चम्मच नमक डाल दिए। डालने के बाद इसे हम चला देंगे और फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे सोयाबीन हमने ग्रेट करके रखे थे, ग्राइंड करके रखे थे, उसमें अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ी सी डालेंगे नमक, थोड़ी सी हरी, चार हरी मिर्च क्रश की हुई, थोड़ा सा जो मेरे लहसुन प्याज का पेस्ट है वो डाल देंगे, दो चम्मच डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर कर लेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी गरम मसाला। ये हमारे मिक्स हो गए, अब इसमें हम कोफ्ता बना लेंगे। ये देखिए बन के रेडी हो गए, अभी से हम फ्राई करेंगे। ये हम गैस ऑन कर देंगे। एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिए, तेल को गर्म होने देंगे। गरम हुए कि नहीं हम चेक करने के लिए एक प्याज का टुकड़ा डाल देंगे। नहीं हुआ तेल, ये हमारा प्याज ऊपर आ गया तो इसका मतलब हमारा तेल गरम हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे कोफ्ता। डाल के साथ ही आप चलाइए। ये हम चेक कर लेंगे, हम पलट देंगे इसे धीरे धीरे। हमारे कोफ्ता पक रहे हैं, तब तक हमें चावल का देख लेंगे। चावल हमारा हल्का सा अगर कच्चा लगे तो हम इसको तवे के ऊपर रख देंगे, थोड़ी सी पकने की देनी है। हो गए, इसे अब हम ऑफ कर देंगे गैस को। रेडी हो गए हैं, कोफ्ते को हम निकाल लेंगे। हम फ्राई कर सकते हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, डेढ़ मिनट तक फ्राई कर लेंगे हम। जब तक हमारा प्याज
गोल्डन कलर का ना हो तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से गोल्डन कलर का हो गया, अभी इसे हम निकाल लेंगे। देखें इस तरह, दो बड़े चम्मच हमने कढ़ाई में तेल डाल लिए, इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा, दो तेज पत्ता, लहसुन फ्रेश किए हुए रखे थे वो डाल देंगे, थोड़े अच्छे से बड़े प्याज मैंने चॉप किए हुए रखे थे उसे डाल देंगे, उसे सौते कर लेंगे अच्छे से। हमने खड़े गरम मसाले रखे थे इसे डाल देंगे, इसे भी थोड़ा सा सेक लेंगे अच्छे से। प्याज गोल्डन कलर से हो गया, अब इसमें हम मसाले ऐड कर रहे हैं। डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर देंगे। लेंगे कढ़ाई में तेल छोड़ने तक, फ्रेश घी डाल देंगे, इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए मैं मिर्चियाँ हरी मिर्ची डालती हूँ हर चीज़ में। करीब हमारे मसाले सीख गए, अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे 1/2 कप पानी, मसाला हमारे पकेंगे थोड़ी सी। ये हम 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे कलर अच्छा आता है, तीखा नहीं होता है। हो गए अच्छे तरह से, अब इसमें हम डाल देंगे जो 1/2 कटोरी दही हमने लिए थे वो ऐड कर देंगे, तो अच्छे से पकाएंगे जल्दी जल्दी। दही डालते ही साथ अच्छे से हाई फ्लेम में रखिएगा और जल्दी जल्दी चलाइएगा, नहीं तो दही फट जाता है, फिर उसका टेस्ट में भी फर्क आ जाता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। हल्का सा हम चीनी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले का टेस्ट उभर के आए। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो डालती हूँ, इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हम 2 चम्मच फ्रेश मलाई है वो डाल देंगे हम। अच्छे से चला लेंगे हम इसे। हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 2 कप पानी डाल देंगे। इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, थोड़ा सा अच्छे से पकने देंगे। ये भी पक रहे हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालिए करते हैं, इसे अच्छे से पकने देंगे थोड़ा सा और। लेड लगा देंगे हम, ग्रेवी पक गया, अब इसमें हम डाल देंगे पॉपकॉर्न। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे फ्रेंड, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो गल जाएंगे। 1 मिनट के लिए हम पका के बंद कर देंगे इसे। दालचीनी और छोटी इलायची का पाउडर है जो हमने अलग से पीस के रखे थे, बस हमारे पक गए, अब इसे हम कर देंगे बंद। मैंने फ्लेम को बंद कर, हमने जो चावल बनाए थे उसे पका के हमने ठंडा कर लिया, ठंडा करके हम 2 भागों में इसे बांट लेंगे। बांट के 1 भाग में हम फूड कलर डाल देंगे,
मिक्स कर लेंगे हम। फिर इसमें हम देखने में भी आधा वाइट आधा येलो लगेंगे तो दिखने में अच्छा लगता है। कढ़ाई ले लेंगे, डीप होनी चाहिए कढ़ाई, या तो आप पतीले में कर दीजिए कोई बात नहीं। मैंने एक कढ़ाई है, डीप डाल देंगे। एक चम्मच घी, एक लेयर चावल से डाल देंगे। फिर इनको हम लो रखेंगे। एक कोफ्ता करी एक लेयर का, कोफ्ता एक लेयर चावल का हम डाल देंगे। हम अच्छे से फैला देंगे। हम घी डाल देंगे, हम दालचीनी और इलायची का पाउडर डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ड्राई मिंट्स पुदीना के पत्ते, डाल देंगे थोड़ा सा। डाल देंगे थोड़ा सा दूध हम। देंगे ढक्कन 10 मिनट के लिए धीमे फ्लेम में। फिर 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। चलिए ये हमारा 10 मिनट पूरा हो गया। देखिए कितने सुंदर बिरयानी बन के रेडी हो गए, कलर कितने प्यारे आए हैं और खुशबू तो आ हा क्या कहने हैं। रेटिंग करते हैं, हमारा बिरयानी बनके रेडी हो गया, खाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। जितने दिखने में गजब का लग रहा है उतनी खाने में टेस्टी हो रही, खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। फ्रेंड अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगले रेसिपी के लिए हम फिर रेसिपी के साथ मैं आपके साथ फिर से मिलूंगी। बाय बाय।